फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं आज आपके साथ ये जो IAS सर्विसेज होती हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो IAS ऑफिसर बन जाए। IAS का मतलब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो ऑफिसर, जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट में ऑफिसर बनते हैं वो IAS ऑफिसर्स होते हैं। तो उसके लिए उनको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और उसके बाद वो IAS ऑफिसर लग जाते हैं। जैसे जो सरकार होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें वो जाकर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लगते हैं या एडिशनल सेक्रेटरी लगते हैं, सेक्रेटरीज़ बन जाते हैं फिर वो, या डायरेक्टर्स बनते हैं कई ऑफिसेज में। तो ये काफ़ी सीनियर पोजीशंस होती हैं और इसमें पैसे भी उनको बहुत मिलते हैं। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, उसने कहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी हिंदुस्तान की, उसने कहा है कि हमें IAS ऑफिसर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि स्पेशलिस्ट चाहिए जो अपने काम को अच्छी तरह से जानते हों। तो उसके लिए उन्होंने नई पोस्ट निकाली है जिसको वो एग्ज़ाम के थ्रू नहीं, वो उसको कहते हैं लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के थ्रू वो नए जो ऑफिसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको अपॉइंट करेंगे इन प्लेस ऑफ IAS ऑफिसर। यानी कि अब IAS ऑफिसर्स की ज़रूरत नहीं है, अब उनको स्पेशलिस्ट, जो लेटरल एंट्री, एक इनडायरेक्ट एंट्री, यानी कि उससे वो उनको अपॉइंट करेंगे। और वो जो IAS ऑफिसर जो काम करते थे वो वाला काम वो ये नए लोग जो हैं वो करेंगे। तो अब इसलिए सरकार ने इस वक्त 45 पोस्ट निकाली हैं इन 24 मिनिस्ट्रीज़। जो सरकार की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं ना, जैसे होम मिनिस्ट्री है या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में 45 पोस्ट निकाली हैं 24 मिनिस्ट्रीज़ में, जिसमें वो लेटरल एंट्री के थ्रू वो लोगों को लेंगे और वो IAS ऑफिसर्स की जगह काम करेंगे। IAS ऑफिसर्स को धीरे धीरे ये जो पोस्ट है IAS, ये ख़त्म होती जा रही है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का, क्योंकि ये IAS ऑफिसर जो हैं ये बहुत ही, एक तो अनपढ़ टाइप होते हैं ये, और ये एक छोटा सा वो एग्ज़ाम होता है, पहले प्रिलिमिनरी होता है उसका, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। वो किसी गधे घोड़े को भी आप कहो तो वो भी वो रट्टा मार मार के पास हो जाएगा। तो अब इन्होंने वो जो पुराने सिलेबस होते हैं उससे वो एग्ज़ाम पास किया होता है। अकबर बीरबल की कहानी पढ़कर ये कोई भी नई डेवलपमेंट इंडिया में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट कैसे होगी, डेवलपमेंट तो वैसे होगी ना कि अगर आपको जो लेटेस्ट मार्केट में हो रहा है इस वक्त, हमारे चारों तरफ जो लेटेस्ट हो रहा है उसकी आपको नॉलेज हो। जैसे मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई करें हम कि लोगों का इलाज अच्छा हो, अस्पतालों में इलाज अच्छा हो, ये तो इनको नॉलेज होती नहीं। ये तो पुराना कोई वो अकबर बीरबल या और कोई पुराने जो वर्ल्ड वार वगैरह के बारे में पढ़कर वो पास हुए होते हैं और बिल्कुल इनको नॉलेज नहीं होती। अगर आप इनको सीधा सीधा कहो कि 3 सेंटेंस इंग्लिश के सीधे लिखकर दिखाएं तो वो भी नहीं लिख सकते। मींस मोर देन 90% ऑफ द सो कॉल्ड IAS ऑफिसर्स विल फेल एंड विल नॉट बी एबल टू राइट 3 स्ट्रेट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश भी नहीं लिख सकते और इनको कोई नॉलेज नहीं होती। ये क्या करते हैं कि पॉलिटिशियंस हमारे वैसे ही क्रिमिनल्स हैं ज़्यादातर, और ये हैं अनपढ़ और करप्ट हैं IAS ऑफिसर। तो ये पुरानी कोई अंग्रेज़ों के ज़माने की जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं ना, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उसी को ये पॉलिटिशियंस इनको IAS ऑफिसर को कहते हैं कि वही आप पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर दीजिए, सड़कें ठीक करवा दीजिए, नाले भरवा दीजिए, ऐसे ही बस ये काम करते हैं। और आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है, लोगों की दरिद्रता बढ़ती जा रही है, और कोई भी इसका हल, कोई भी, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अनपढ़ और क्रिमिनल हैं, ये IAS ऑफिसर अनपढ़ और करप्ट हैं, बहुत करप्ट हैं ये। मैं आपको कितने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा रोज का IAS ऑफिसर्स के साथ ये इंटरेक्शन है। तो मैं, क्योंकि ये कंप्लेंट्स लोगों की, एज ए सोशल एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट आई कीप फाइलिंग कंप्लेंट्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो उनसे IAS ऑफिसर का या तो जवाब ही नहीं आता, जब आता है तो उसको आप पढ़ ही नहीं सकते, वो टेम्पलेट बेस्ड जवाब होता है, जो अंग्रेजों के ज़माने की चिट्ठी लिखी हुई है उसी में बस वो नाम चेंज करके लेटर भेज देते हैं और काम कुछ भी नहीं होता।
तो इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ कि ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ये बहुत ही करप्ट और अनपढ़ टाइप होते हैं, इनको निकालना बहुत अच्छा है। तो अब जो लेटरल एंट्री है उसमें कैसे फ़ायदा हो सकता है, तो उसमें ये है कि लेटरल एंट्री है उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होंगी आईएएस की जगह पर तो वो होंगी डोमेन एक्सपर्ट्स की। तो डोमेन एक्सपर्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में जो बहुत अच्छा कोई डॉक्टर है जिसने बहुत अच्छा अपना काम करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है हेल्थ सेक्टर में, वो उसी की अपॉइंटमेंट होगी लेटरल एंट्री से। तो अब उसको टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा और सीधा ही वो आईएएस ऑफिसर्स की जगह पर आकर ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर या इवन सेक्रेटरी भी लग सकते हैं। तो ये जो हमारा नीति आयोग है यहाँ पर, एक जो जिसको प्लानिंग कमीशन पहले कहते थे, उसने ये रिकमेंड किया था 4-5 साल पहले कि ये जो है आईएएस की जो पोस्ट हैं ये बिल्कुल अबॉलिश हो जानी चाहिए और इसकी जगह पर डोमेन एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट वो आने चाहिए। तो ऐसे जैसे मैंने हेल्थ केयर का बताया, इसी तरह से एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या, मैं एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम करता हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए। तो अब जो एजुकेशन में मिनिस्टर है, आपने उसको सुना होगा, वो बिल्कुल अनपढ़ लगता है। वो पहले तो एक बिल्कुल अनपढ़ औरत को ही मिनिस्टर बनाया हुआ था, जो मेरे ख्याल 10वीं या 12वीं पास थी, वो उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया हुआ था। अब भी ये जो है ये ना बात कर सकता है, ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, इसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो वो कैसे एजुकेशन में सुधार ला सकता है। तो मिनिस्टर का ये हाल है। और जो आईएएस ऑफिसर है उसको तो बिल्कुल दे आर क्लूलेस। वो जो मिनिस्टर, ये अनपढ़ मिनिस्टर उसको आईएएस ऑफिसर को कहेगा वही होगा। इसीलिए आप देखिए कि पढ़ाई का स्तर इतना ख़राब है इंडिया में कि किसी की भी इस पढ़ाई और इन डिग्रीज़ के हिसाब से नौकरी नहीं लग रही है, क्योंकि वो पढ़ाई का सिस्टम जो मॉडर्न है, इंफॉर्मेशन ड्रिवन वर्ल्ड में जो नौकरियाँ हैं उनमें जो पढ़ाई चाहिए वो हो ही नहीं रही, ना स्कूलों में हो रही है, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर भी अगर कोई बहुत अच्छा जो जिसने एजुकेशन सेक्टर में बच्चों की, स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा काम करके दिखाया हुआ है, मीन्स दैट पर्सन हैज़ डेमोंस्ट्रेटेड हिज और हर वर्क, वही वहाँ पर जाकर वो डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल की कोई भी पोस्ट जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में लेगा। तो इसी तरह से बाकी और जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, मान लीजिए फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उन सब में जो स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने अपना काम करके दिखाया हुआ है वो ही जाकर वो वहाँ पर नौकरी लेंगे और धीरे धीरे ये आईएएस ऑफिसर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने बच्चों को कभी भी ना कहिए कि आईएएस ऑफिसर बने। आईएएस ऑफिसर जो हैं दे वर्क लाइक स्लेव्स टू द पॉलिटिशियंस, दीज आईएएस ऑफिसर्स वर्क लाइक स्लेव्स टू दीज करप्ट एंड क्रिमिनल पॉलिटिशियंस। तो जो पॉलिटिशियन कहता है वो आईएएस ऑफिसर आंख बंद करके, कान बंद करके करते जा रहे हैं बस। इसीलिए जो इंडिया है अभी भी एक पिछड़ा हुआ देश है, इंडिया इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 80 करोड़ लोगों के पास दे डोंट हैव 2 square meals a day, उनके पास 2 टाइम का खाना भी नहीं है। इसीलिए कि जो हमारे ऊपर पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं और ये आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो बिल्कुल अनपढ़ हैं या करप्ट हैं या क्रिमिनल्स हैं। ये इसलिए ये एक अच्छा स्टेप है कि लेटरल एंट्री के थ्रू अब नई अपॉइंटमेंट्स आईएएस ऑफिसर्स की होंगी। और ख़ास करके आपने देखा होगा ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है आईएएस की, कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, ये पैरासाइट्स की तरह बैठे हुए हैं। इनको एक्सटेंशन ही देता जा रहा है वो मोदी के, ये बार बार वही आते जा रहे हैं। क्योंकि उनको क्या बाहर कोई अच्छा आदमी नहीं मिल रहा? ये जो है कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, दे आर ऑल्सो मीन्स ऑलमोस्ट इलिटरेट, बिल्कुल अनएजुकेटेड टाइप है, दे कैनॉट इनोवेट एंड डिलीवर सिटीजन सर्विसेज। तो इनको हटा ही नहीं रहे हो। तो अब जब लेटरल एंट्री शुरू होंगी तो कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी टाइप जो टॉप लेवल की आईएएस ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं उसमें भी स्पेशलिस्ट आने चाहिए। इसी तरह से जैसे एजेंसीज हैं हमारी, सीबीआई है या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या और जो फाइनेंस इनकम टैक्स है, वहाँ पर भी ये सारे जो हैं डोमेन एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट आने चाहिए। अभी इनका भी बहुत बुरा हाल है एजेंसीज का भी, वहाँ भी मेरा काफ़ी इंटरेक्शन होती है। तो वो भी दे कैनॉट प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ए केस, और लिख नहीं सकते। जब उनको कंप्लेंट कोई भेजो इंग्लिश में लिखकर, दे कांट रीड इट, लिख पढ़ ही नहीं सकते वो इंग्लिश में कंप्लेंट।
और अगर वो जवाब देते हैं ऐसे दो लाइन का, वो टेम्पलेट बेस्ड है, बस नाम चेंज करके वो कुछ भी एक दो लाइनें लिख देते हैं, जो अंग्रेजों के टाइम का हमारे हिंदुस्तान में कागज़ चल रहे हैं उन्हीं में थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके ये करते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 75 साल से ज़्यादा में इंडिया में कोई भी ना तो पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा आया ना IAS आया जो डेवलपमेंट कर सके, इसीलिए पिछड़ता जा रहा है हमारा देश। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, मेडल नहीं आता कोई, डॉक्टर देख लीजिए कोई अपना इलाज करवाने भी बाहर वाले कंट्री में जाते हैं, और ये पॉलिटिशियन भी अपना इलाज यहाँ नहीं करवाते, जो अच्छे अच्छे हैं वो बाहर जाते हैं। तो ना हेल्थ केयर में है, ना एजुकेशन में है, ना स्पोर्ट्स में है, ना मूवीज़ में। बॉलीवुड में आप देख लीजिए, एक भी फिल्म को अभी तक हमारी वो ऑस्कर नहीं मिला, एक भी फिल्म को। तो इसलिए हमारा जो देश है वो पिछड़ता इसलिए जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे। अब जो स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि उनकी परसेंटेज बहुत कम है, उनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आई वुड से दैट दिस इज़ अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, कि उनको अब स्पेशलिस्ट को ढूंढकर अलग अलग मिनिस्ट्रीज में लगाएंगे। उसका एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश में सरकार थी वो दैट डिक्टेटर इन बांग्लादेश PM शी हैज़ बिन डीथ्रोन्ड, उसको वो शी फ्लेड द कंट्री, वो अपनी देश छोड़कर भाग गई थी बांग्लादेश अभी थोड़े दिन पहले। तो अब उन उसकी जगह पर जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उसकी जगह पर एक पढ़े लिखे नोबल लॉरिएट, यानी कि जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, मोहम्मद यूनस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनस, वो आए हैं वहाँ पर। वो हिज पोस्ट इज़ ऑफ चीफ एडवाइज़र बट इट इज़ इक्वलेंट टू PM, PM के इक्वलेंट है, यानी कि ही विल बी नाउ द PM। तो उन्होंने क्या किया है, वो बहुत ही एजुकेटेड है, ठीक है, और पावर्टी एलिवेशन में वो बहुत काम करते हैं, यानी कि गरीबी हटाने में, और उन्होंने करके दिखाया, तो वो डोमेन एक्सपर्ट है, कि उन्होंने पावर्टी को, ग्रामीण बैंक, उन्होंने आपको थोड़ा कई लोगों को पता होगा, ग्रामीण बैंक को वो चला रहे थे गरीबी हटाने के लिए, ठीक है। तो जो बहुत ही डाउन ट्रोडन यानी कि पुअर लोग होते हैं उनको हेल्प करने के लिए ये ग्रामीण बैंक था, माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू। तो अब वो नाउ ही हैज़ बिकम द PM ऑफ बांग्लादेश। तो उन्होंने क्या किया है, ही हैज़ नॉट टेकन एनी कन्वेंशनल पॉलिटिशियन इन हिज कैबिनेट, यानी कि जो ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का, उसमें उन्होंने सब डोमेन एक्सपर्ट्स लिए हैं। वो एक मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है बांग्लादेश वाला। तो इस तरह से इंडिया में भी जो पॉलिटिशियंस हैं इनका बिल्कुल, पॉलिटिशियंस को भी ख़त्म कर देना चाहिए ये सिस्टम जो इलेक्शन वगैरह का है, सारी जगह पर डोमेन एक्सपर्ट्स आने चाहिए, जैसा कि IAS ऑफिसर्स में हो रहा है अब। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, और हमें लोगों को ये डिमांड, वहाँ बांग्लादेश में लोगों ने डिमांड किया था वो, तो हमें भी लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि ये जो करप्ट और क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट और अनपढ़ IAS ऑफिसर्स हैं, इनको हटाकर पॉलिटिशियंस और IAS ऑफिसर या और जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हटाकर सब जगह पर डोमेन एक्सपर्ट्स आने चाहिए, तभी इंडिया का थोड़ा सा बचाव हो सकता है। नहीं तो वी विल कंटिन्यू टू लिव इन ए हेल, वी आर लिविंग इन ए वेरिटेबल हेल, एक नरक में जैसे होता है वैसे रह रहे हैं हम, ना हम अपना इलाज करवा सकते हैं, ना अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ना अच्छा खाना खा सकते हैं, ना अच्छी सड़कों पर जा सकते हैं जो टूटी हुई हैं सब जगह पर, सब जगह पर बहुत ही ज़्यादा ये गरीबी और बदहाली है, यानी कि जो वी आर लिविंग इन ए हेल, एक जैसे नर्क होता है ना वैसे हम उसमें रह रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए ये लेटरल एंट्रीज का सिस्टम बहुत अच्छा है। और अब मैं सारे पेरेंट्स से भी कहूँगा कि अपने बच्चे को कहिए कि मॉडर्न पढ़ाई करें, मॉडर्न पढ़ाई जिसकी वो इट कीप्स इवॉल्विंग, ये जो पढ़ाई है स्टैटिक नहीं होनी चाहिए कभी भी। बाहर तो कभी ChatGPT आ रहा है, कभी Meta AI आ रहा है, कभी वो Midjourney आ रहा है, कई कुछ नई चीज़ें हो रही हैं बाहर, तो रोबोट्स आ रहे हैं, इलाज भी रोबोट्स करते हैं, आपके घर में सर्वेंट का काम भी रोबोट्स करते हैं, रोबोट्स भी कहते हैं उनको, तो वो करते हैं। तो वो जो है, जो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन ड्रिवन वर्ल्ड में जो जिस तरह की नौकरियाँ चाहिए, क्लाइमेट में चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस के लिए नौकरी चाहिए, वो सारी नौकरियां जो हैं उसके लिए अपने बच्चे को तैयार कीजिए। IAS में बिल्कुल भी ना भेजिए,
और अब तो धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाएगा। और ये एक आई रिपीट दैट दिस इज ए गुड स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट टू अबॉलिश दिस आईएएस सर्विसेज एंड इंस्टेड नाउ द डोमेन एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट विल बी अपॉइंटेड टू हैंडल वेरियस फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही कहना था और मैं कुछ रिलेटेड जो आईएएस से रिलेटेड मैं काम करता हूँ वो उसके लिंक्स में छोड़ूंगा नीचे, तो आप उनको लिंक्स को भी पढ़िए तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि ये आईएएस का जो पोजीशन है ये आईएएस सर्विसेज को ख़त्म करना क्यों इतना ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।